हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेज नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लिंचो होप फॉर। लिंचो किसकी होप कर रहा था? लिंचो बारिश की होप कर रहा था, क्योंकि अगर बारिश होगी तो उसके खेत की जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करेगी। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिंचो होप फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि गुड हार्वेस्ट के लिए बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लिंचो किसकी होप कर रहा था? बारिश की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लिंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा है कि लिंचो ऐसा क्यों बोल रहा था, जो रेन ड्रॉप्स थे ना, मतलब पानी की जो बूंद थी बारिश की, तो रेन ड्रॉप्स को वो क्या बोल रहा था? न्यू कॉइन्स, नए सिक्के, ऐसा क्यों बोल रहा था? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, लिंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। लिंचो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन के साथ कंपेयर कर रहा था। क्यों? बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर बारिश होगी तो खेत की जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करेगी, फिर उसकी फसल कटाई होगी और फिर लिंचो जो है उसको बेच के बहुत सारे पैसे भी अर्न कर सकता है। तो इसीलिए बारिश की बूंदों को यहाँ पे न्यू कॉइन्स उसने बोला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, How did the rain change? What happened to Lencho's field? अब यहाँ पे आपको पूछा है How did the rain change? पहले तो बारिश हो रही थी, ठीक है, हमने स्टोरी में पढ़ा पहले बारिश होती है और फिर ओले गिरते, राइट? तो यही हमें बताना है। और एक क्वेश्चन है, What happened to Lencho's field? लिंचो के खेत को फिर क्या हुआ ओले गिरने की वजह से? अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द रेन चेंज इंटू हेल स्टोन्स। रेन किस में चेंज हो गया? हेल स्टोन्स, ओले, जिसे हम बर्फ़ की बारिश बोलते हैं ना, बर्फ, ठीक है, बर्फ गिरना ये होता है। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी, एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन, ओले भी गिर रहे थे। ऑल द क्रॉप्स इन लिंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, मतलब जितना भी क्रॉप था लिंचो का उसके फील्ड में बारिश की वजह से सब कैसा खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वर लिंचोज फलिंग वेन द हेल स्टॉप। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जैसे हेल मतलब ओले गिरना बंद हो जाते तो लिंचो की फीलिंग क्या थी उस टाइम पे, ये हमें यहाँ पे बताना है। लिंचो वॉज फिल्ड विद ग्रिफ आफ्टर द हेल स्टॉप एज एवरीथिंग वॉज ड्यून एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। लिंचो वॉज फिल्ड विद ग्रिफ, ग्रिफ का मीनिंग क्या होता है? गहरा दुख, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख में था, ठीक है, ये ओले की बारिश बंद होने के बाद, क्योंकि इन ओलों ने क्या किया था, उसकी जो फसल थी ना वो पूरी तरीके से बर्बाद करके रखी थी, ख़राब हो गई थी, और इस साल वो अपनी फैमिली को अच्छे से कुछ खिला पिला भी नहीं सकता था। ही कुड सी अ ब्लिक फ्यूचर फॉर हीम एंड हिज फैमिली। ब्लिक का मीनिंग क्या होता है? उदास या फिर बहुत ही बुरा। उसको अपनी फैमिली का, अपना खुद का, फैमिली का बहुत ही बेकार ऐसा फ्यूचर उसको दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लिंचो, ओके, हु और व्हाट डिड लिंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि लिंचो का किस पर फेथ था, किस पर विश्वास था, व्हाट डिड ही डू, और फिर उसने क्या किया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। फर्म का मीनिंग क्या होता है? दृढ़ फेथ, विश्वास। उसका दृढ़ विश्वास किस पे था? गॉड पर था। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब नेक्स्ट है व्हाट डिड ही डू, तो फिर उसने क्या किया, ही बिलीव दैट गॉड सेज एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे देखो लिंचो मतलब गॉड पे बहुत ज़्यादा उसका फेथ था, विश्वास था, और वो ये भी मानता था कि गॉड जो है वो सब कुछ देखते हैं, ठीक है, एवरीथिंग वो देखते हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस। इतना ही नहीं तो गॉड जो है हर एक पर्सन के मन में क्या चल रहा है ना वो भी देखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प भी करते गॉड, ऐसा लिंचो का मानना है, ऐसा लिंचो का बिलीव है गॉड पर। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू, तो फिर उसने क्या किया,
ही रोट्स अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। अपने फील्ड में फिर से बीज बोने के लिए वो क्या करता है, गॉड को लेटर लिखता है और लेटर में 100 pesos वो गॉड को मांगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रीड द लेटर। लेंचो का लेटर जो है, अब लेंचो ने लेटर तो लिख दिया गॉड को, फिर उसका लेटर रीड कौन करता है, कौन करता है, पोस्ट मास्टर करते हैं। तो इसका आंसर होगा पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। लेटर रीड करने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था कि किसी पर्सन ने गॉड को लेटर लिखा है। इसीलिए फिर वो सीरियस हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर इस पर्सन का गॉड पर इतना ज़्यादा फेद है तो मैं इसका जो फेद है वो कम नहीं होने दूंगा गॉड पर से, ठीक है। और फिर वो लेंचो की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर लाफ व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। सबसे पहले तो वो हंसते हैं लेटर देख के और फिर सीरियस हो जाते हैं, और मतलब वो सोचते कि कितना फेद है इस पर्सन का गॉड पर। ही डिडेंट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेद, वो लेंचो का फेद जो है गॉड पर, जो उसका फेद था वो कम नहीं करवाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो फिर पोस्ट मास्टर जो है वो डिसाइड करते कि वो कलेक्ट करेंगे पैसे और लेंचो को देंगे बिहाफ ऑफ गॉड, मतलब गॉड की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 7 का क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। अब क्वेश्चन किया है कि क्या लेंचो जैसे उसको लेटर मिलता है, ठीक है, आंसर मिलता है उसके लेटर का, तो उसमें पैसे रहते हैं एनवलप के अंदर, तो वो देखकर क्या लेंचो सरप्राइज होता है। तो वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसका गॉड पर बहुत ज़्यादा फेद है, विश्वास है, ट्रस्ट है कि अगर उसने लेटर लिखा है गॉड को तो गॉड उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होता। अगर कोई नॉर्मल पर्सन रहता तो वो सरप्राइज्ड हो जाता, क्योंकि गॉड तो वैसे खुद आकर तो लेटर लिखेंगे नहीं, है ना। तो ये जो हेल्प थी लेंचो की, जो भी हेल्प हो गई थी 70 pesos से, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, ये किसने करी थी, पोस्ट मास्टर ने। अब सरप्राइज नहीं हुआ, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि वो बिलीव करता था कि गॉड जरूर उसकी हेल्प करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस बात का गुस्सा आ गया, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देर वर ओनली 70 pesos इन द एनवलप वर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos, द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। अब देखो लेंचो ने क्या किया था, 100 pesos मांगे थे गॉड को, बट एनवलप में कितने पैसे थे, 70 pesos थे, तो ये जो डिफरेंस था 30 pesos का, इसकी वजह से लेंचो गुस्सा हो गया था कि मतलब भगवान ने 100 pesos भेज दिए लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो इम्प्लॉई है इन्होंने 30 pesos यहाँ से निकाल लिए इस वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 7 और 8 के क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लेंचो का किस पर सबसे ज़्यादा फेद है, विश्वास है। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और स्टोरी में ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको रीड करने के बाद हमें ऐसा पता चलता है कि लेंचो का भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, फेद है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हु डज लेंचो हैव कम्प्लीट फेथ इन, तो इसका आंसर होगा गॉड, लेंचो हैज़ कम्प्लीट फेथ इन गॉड। एंड देर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शोज, और यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि ये शो करते हैं कि लेंचो का गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो फर्स्ट सेंटेंस ये था, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लाइव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। ये जो लाइन है इसमें देखो क्या है कि मतलब सॉलिटरी हाउस क्या होता है, एक अकेला घर वैली में जो था, तो वहाँ पे रहने वाले सभी के दिलों में एक ही होप थी, भगवान से मदद। तो यहाँ पे फेद है ना उनका गॉड पर, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डिप इन वंस कॉन्शियंस। अब देखो
इस लाइन में भी हमें समझ में आता है क्योंकि पूरी रात जो है लेंचो अपने होप के बारे में सोचता रहा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड पर कि गॉड उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि उसका ये मानना था कि गॉड जो है वो सब कुछ देखते हैं, एवरीथिंग वो देखते हैं। इतना ही नहीं तो वो हर एक के मन में क्या चल रहा है ये भी देखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उनकी हेल्प भी करते। इतना ज़्यादा विश्वास है, ये हमें इन लाइन में से समझ में आता है। नेक्स्ट है, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ये वाली लाइन जो है इसमें भी समझ में आता है कि वो मतलब कैसे डायरेक्ट बात कर रहा है गॉड के साथ, है ना। गॉड लिखता है और क्या क्या लिखता है वो लेटर में कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे, मेरी हेल्प नहीं करेंगे, तो मेरी जो फैमिली है और मैं इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ पे भी उसका फेथ दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ही रोट टू गॉड। अब देखो वो क्या लिखता है एनवलप पे, टू गॉड ऑन द एनवलप पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। इसमें भी समझ में आता है। नेक्स्ट है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। और एंड में देखो वो क्या बोलता है कि मतलब गॉड बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकते, और अगर कोई उनको कुछ मांगता है तो वो डिनाई मतलब मना भी नहीं कर सकते। तो इस लाइन में से भी समझ में आता है कि लेंचो का गॉड पर कितना ज़्यादा फेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि postmaster Lencho को पैसे क्यों देते और वो लेटर पे क्या लिखते हैं, गॉड की सिग्नेचर करते हैं ना, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका रीज़न हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू Lencho इन ऑर्डर टू कीप Lencho's faith in God alive and firm as he was completely moved by it. क्योंकि मतलब जो postmaster थे उन्होंने ऐसा नहीं देखा था कि किसी का भगवान पर इतना ज़्यादा फेद होना, ट्रस्ट करना भगवान पर, तो ये लेटर रीड करने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लेंचो का भगवान पर से विश्वास उठ जाए, क्योंकि उसने लेटर तो लिखा था, भगवान तो पैसे उसको देने वाले नहीं थे। इसलिए पोस्टमास्टर डिसाइड करते कि लेंचो की हेल्प करनी चाहिए, जितना मतलब उसका जो दृढ़ विश्वास है भगवान पर ये कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए पोस्टमास्टर ने उसकी हेल्प करी थी। व्हेन पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड ही बिकम सीरियस। जैसे वो उसका लेटर रीड करते पहले तो हंसते फिर सीरियस हो जाते, एंड डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ और उसके फेथ को वो शेक नहीं करना चाहते, एंड डिसाइड टू आंसर द लेटर और डिसाइड करते कि इसके लेटर का आंसर मुझे देना चाहिए। और फिर इसके लिए वो क्या करते, ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड। अपने फ्रेंड से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से वो हेल्प लेते ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइन द लेटर गॉड सो दैट लेंचोज फेथ डज नॉट गेट शेकन। और लेटर पे एनवेलप पे वो गॉड की साइन भी करते, मतलब लेंचो को लगता है कि सच में भगवान ने उसकी हेल्प की है। तो इससे क्या होता है, लेंचो का भगवान पर जो फेथ है वो बिल्कुल भी कम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि क्या Lencho ने ये मतलब फाइंड करने का ट्राई किया है कि उसको जो पैसे दिए गए थे, ठीक है, उसके लेटर का जो रिप्लाई था वो किसने किया, पैसे किसने भेजे, अगर किया है तो क्यों किया है और नहीं किया है तो why not, ये भी आपको बताना है। उसने ट्राई किया था क्या, नहीं किया था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. तो Lencho ने बिल्कुल भी मतलब ये ढूंढने की कोशिश नहीं की कि ये जो लेटर है किसने भेजा है, क्योंकि उसका गॉड पर बहुत ज़्यादा फेथ है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, और वो बिल्कुल भी डाउट नहीं करता कि मतलब गॉड उसको पैसे नहीं देंगे, ऐसा उसको बिल्कुल भी नहीं लगता है। He could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. और उसका मतलब वो ये भी believe नहीं करता कि God के अलावा कोई ऐसा person है इस world में जो उसकी help कर सकता है, ऐसा भी उसको पता है। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. उसका इतना ज़्यादा दृढ़ विश्वास है God पर कि वो उसे लगता है कि मैं problem में हूँ और God ने मेरी हेल्प कर दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हु डज Lencho थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। क्या मतलब Lencho को क्या लगता है कि उसके बाकी के जो पैसे हैं वो किसने रखे होंगे।
व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, सिचुएशन में आयरनी क्या है वो बताना है. रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट. क्या होती है आयरनी? अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट. एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड. आयरनी मतलब एक्सपेक्ट क्या करते हैं और क्या हो जाता है ना, तो ये होती है आयरनी. अब इसका आंसर देखो क्या होगा. फर्स्ट क्वेश्चन था Who does Lencho think has taken the rest of the money? किसने लिए मतलब Lencho को क्या लगता है किसने लिए होंगे? पोस्ट ऑफिस के employees ने. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake. क्योंकि Lencho को लगता है कि गॉड बिल्कुल मिस्टेक कर नहीं सकते, मैंने तो 100 पैसोज मांगे थे लेकिन इसमें 70 पैसोज है, तो बाकी के 30 पैसोज पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉयज ने रख लिए होंगे, ऐसा Lencho को लगता है. सो ही एज्यूम दैट, तो फिर वो ऐसा एज्यूम करने लगता है दैट दे हैव स्टोलन द मनी, कि इन्होंने ही पैसे चुरा लिए होंगे. द आयरनी, अब देखो आयरनी क्या है इन दिस सिचुएशन इज दैट Lencho सस्पेक्ट दोज पीपल हु हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम. मतलब Lencho किस पे सस्पेक्ट कर रहा है, किस पे डाउट कर रहा है? जिन्होंने उसकी हेल्प की है ना, तो यहाँ पे आयरनी हो गई ना. एंड ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, और वो अपना फेथ जो है गॉड पर बना के रखता है. तो ये होती है आयरनी, मतलब जिन्होंने उसकी हेल्प की है उन पे वो डाउट करता है, उनको थैंक बोलना चाहिए है ना, थैंक यू बोलना चाहिए, बट यहाँ पे वो उन पे डाउट करता है, तो ये हो जाती है यहाँ पे आयरनी. अब यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व हो गए. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.